जय शनिदेव प्रिय भक्तों, मैं स्वामी राजेशी आप सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल गुरु रजनी सीसी जी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस विशेष प्रोग्राम में जहाँ चर्चा का विषय है कि ये जो समय है आपके लिए करियर की दृष्टि से किस प्रकार रहने वाला है। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या फिर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए कैसा रहेगा। यदि आप अपना व्यापार करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो क्या बिजनेस में आपको फायदा होगा? क्या आपको मन मुताबिक सेल्स देखने को मिलेंगी? कहीं बिजनेस में कोई अड़चनें तो नहीं आने वाली हैं? तो ये वीडियो सभी लोगों के लिए है जो इन शंकाओं का उत्तर जानना चाहते हैं। साथ ही साथ अंत में मैं आपको एक ऐसा विशेष उपाय भी बताऊंगा जिससे आप इस समय को अपने लिए और बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। हमेशा की तरह भक्तों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि पहली बार आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ भक्तों, यदि अपने जीवन में किसी भी परेशानी का आप सामना कर रहे हैं, अगर आपकी परमानेंट जॉब नहीं लग रही है या फिर सरकारी जॉब मिलने में तकलीफें आ रही हैं या फिर भाग्य आपका साथ नहीं देता या कर्जा अधिक हो गया है या शादी नहीं हो रही है या रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बेझिझक होकर स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और मुझसे यानी कि स्वामी राजेशी जी से फोन कॉल के माध्यम से आप बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आपकी परेशानियों के लिए उपाय बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सा लकी स्टोन धारण करने से आपके जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी और आप सुख शांति और समृद्धि प्राप्ति करें। तो भक्तगण, आप में से जो कोई भी परेशान है वो जरूर स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करें। चलिए अब बिना विलंब किए आज की चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। चलिए भक्तगण, चर्चा को हम लोग अब आगे बढ़ा रहे हैं। बात करते हैं कर्मों की दृष्टि से यहां पर हमारे जो जातक हैं सिंह राशि के, उनके लिए समय कैसा रहने वाला है, यानी कि जॉब की दृष्टि से, वर्क प्लेस की दृष्टि से, कलीग्स के साथ रिलेशंस की दृष्टि से, बॉस के साथ रिलेशंस की दृष्टि से, प्रमोशन से, ट्रांसफर से, साथ साथ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर, या फिर अगर आप व्यापार करते हैं तो आपकी दुकान का हाल या आपके कारखाने का हाल किस प्रकार रहने वाला है, अब ये चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। कुंडली के दशम भाव का अध्ययन करेंगे। दशम के स्वामी जो है वो है शुक्र देवता, ये वृषभ राशि का भाव है और यहाँ पर शुक्र देवता पूरे महीने जो है वो यहाँ पर सप्तम भाव में विराजमान है। ऐसे सप्तम में विराजमान जो शुक्र है पहले 8 दिन आपको अच्छे फल देने वाले हैं। कारण ये है, विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जो अपना व्यापार करते हैं, अगर आप कंप्यूटर से संबंधित या फिर फास्ट फैशन से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं, तो उसमें प्रगति मुझे नजर आ रही है। पहले 8 दिनों में अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है, अच्छे काम धंधे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं, अच्छे डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। परंतु जब मंगल यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ पर प्रवेश करेंगे आप लोगों के लिए सप्तम भाव के अंदर, तब कहीं शुक्र को थोड़ी सी पीड़ा होगी, तो वर्क प्लेस पर सिचुएशन थोड़ी मुझे डिटियोरेट होती हुई नजर आ रही है, यानी कि थोड़ी खराब होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर 8 अप्रैल को मंगल देवता परिवर्तन कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में थोड़ी सी मुझे यहाँ पर फिर दिक्कत नजर आती है शुक्र देवता की दृष्टि से, यानी कि हालातों की दृष्टि से। जो एक पीस ऑफ माइंड आप अपने वर्क प्लेस पर महसूस करते हैं वहां पर प्रॉब्लम नजर आ रही है, स्पेशली इमोशनल डिसीजंस या इमोशनल डिस्ट्रेस यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी आप लोगों के लिए वर्क प्लेस पर। ये सिचुएशन अराइज हो रही है 8 अप्रैल के बाद से, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अगर जातकों को इंटरव्यू देना है या ज्वाइनिंग डेट देनी है 8 अप्रैल से पहले पहले ज्वाइन कर ले, ज्यादा शुभ रहेगा आपके लिए। इसके बाद 8 अप्रैल के बाद कुछ कठिनाइयां नजर आ रही हैं, अड़चनें आ सकती हैं। जय शनिदेव प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आप सभी के लिए।
एक शक्तिशाली चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को लेकर। यह सुदर्शन लॉकेट जो आप अपने गले में धारण करके अपने जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों को धीमे धीमे करके दूर कर सकते हैं। इस सुदर्शन लॉकेट के अंदर सभ्यस्त नवग्रह देवताओं का रतन या उपरतन लगा हुआ है। प्रत्येक रतन उस ग्रह देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों के द्वारा स्वयं मेरे द्वारा अभिमंत्रित है, प्राण प्रतिष्ठित है और जागृत है। साथ ही साथ इसके नीचे जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक इस पृथ्वी पर उपस्थित रतन है, जिसे हम गोमती चक्र के नाम से जानते हैं। ये गोमती चक्र भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है, जो आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने में समर्थ है। इस शक्तिशाली गोमती चक्र वाले सुदर्शन लॉकेट को धारण करने वाला व्यक्ति धीमे धीमे करके अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करते हुए अपने जीवन में सुख शांति सौभाग्य और आनंद की प्राप्ति करता चला जाता है, अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करता चला जाता है। धीमे धीमे करके उसकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती चली जाती हैं। तो वो सभी व्यक्ति जो मेरा वीडियो देखते हैं, वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे मेरे वीडियो के बीच में आप ही लोगों के बहुत सारे वीडियो लगे होते हैं, जिसमें आप जैसे भाई बहन बोल रहे होते हैं कि उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए उपाय से किस प्रकार से अभूतपूर्व फायदा उठाया है, उनकी परेशानियां किस प्रकार से अभूतपूर्व रूप से दूर हो गई हैं और वो निरंतर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह सब परमपिता परमात्मा की उस साधना के फल स्वरूप है जो मैं पिछले 32 वर्षों से उनके मंत्रों की, विभिन्न मंत्रों की साधना नित्य प्रति करता हूं। उस साधना के फल स्वरूप मेरे को जो शक्ति प्राप्त हुई है, उसी शक्ति से यह दिव्य सुदर्शन लॉकेट को मैं मंत्र सिद्ध करता हूं, प्राण प्रतिष्ठित करता हूं और जागृत करता हूं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए इस लॉकेट के साथ साथ उन सभी लोगों को लिए जो इस लॉकेट को खरीदेंगे, उनको प्रभु साधना की अनुपम अनमोल पुस्तक जो आपको पूरी दुनिया में हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका एक एक शब्द मेरे स्वयं के द्वारा रचित है। जिस साधना को मैं पिछले 32 वर्षों से कर रहा हूं, वही साधना अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर मैं आप सभी लोगों को सुपुर्द करता हूं, ताकि आप इस साधना के बल पर अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट कृपा, डायरेक्ट आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकें। इस अद्भुत पुस्तक में, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं के विभिन्न प्रकार की साधनाएं प्रॉपर तरीके से बताई गई है, प्रॉपर साधना की डिटेल दी गई है, उस साधना के फलस्वरूप आप अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की दिव्य कृपा निरंतर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह साधना की पुस्तक हमारे मंदिर की ओर से, शनिपीठ मंदिर की ओर से निशुल्क वितरण के लिए है। जो व्यक्ति यहां आकर इस पुस्तक को फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है, वो बिना किसी झिझक के आकर ले जा सकते हैं। किंतु जो लोग खाली इस पुस्तक को घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से एक पोस्टिंग, पोस्टेज का, कोरियर चार्जेज और शिपिंग और पैकेजिंग के जो खर्चे हैं, वो उनको अवश्य ही देने पड़ेंगे। तो जो भी व्यक्ति इस अद्भुत और चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को अपने नाम की पूजा के अनुसार मंगवाना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत जिसे मैं स्वयं करता हूं, उसे घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिना किसी झिझक के आप इस सुदर्शन लॉकेट के लिए हमें स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट मोबाइल ऐप पर भी जाकर आप
इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर मोबाइल ऐप आ रही है एस्ट्रोलॉजी बाई गुरु जी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस लॉकेट के लिए आप वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यह दिव्य सुदर्शन लॉकेट आपको घर बैठे, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, आपको अवश्य भेज दिया जाएगा। जय शनिदेव। मेरा नाम विनीता है, मैं यहाँ पर जीत नगर से आई हूँ। मुझे किसी ने यहाँ पर बताया था, तो मैं अपने बेटे को लेके आई थी यहाँ पर, तो उन्होंने मतलब अच्छा करा उसका जो लॉकेट बनाया, 6-7 महीने तक उनका अच्छा रिस्पांस आया। तो अभी मैं दोबारा आई हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ आगे तक अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा, पढ़ाई में भी अच्छा है और आगे भी हर काम उसका अच्छा निकले। चलिए अब बात कर लेते हैं उस उपाय की, जिससे आप अपने अपने लिए ये जो महीना है अप्रैल 2022 का, इसे और बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने बताया सबसे कमजोर ग्रह पड़ रहे हैं आपके लग्न के स्वामी, क्योंकि पहले तो लग्न के स्वामी को खुद को ग्रहण लग गया, और फिर लग्न भाव पर भी राहु की दृष्टि पड़ गई, तो वहां से भी सूर्य देवता कमजोर हो गए। तो दोनों ही तरीके से सूर्य देवता तो एकदम आपकी कुंडली में इस समय पर जीरो जीरो नंबर पर चले जाने वाले हैं, सूर्य बहुत कमजोर होने वाले हैं। तो आवश्यकता है कि सूर्य को मजबूत किया जाए। सूर्य को मजबूत करने के लिए मैं कहूंगा हर प्रकार से आपको यहाँ पर कदम उठाने की आवश्यकता है। सूर्य देवता के बीज मंत्र का नित्य प्रतिदिन 108 बार यानी कि एक माला जप जरूर करें। माला का जप करते हुए आप माला का प्रयोग जरूर करें, माला से ही बीज को गिरा किए दीजिए, तो उससे ही मंत्रों का लाभ आपको अधिक मिलेगा। तो एक माला जप आपको करना है सूर्य देवता के लिए। सूर्य देवता का बीज मंत्र बता रहा हूँ, ओम राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। तो इस बीज मंत्र का 108 बार नित्य प्रतिदिन आपको जप करना है। साथ साथ सूर्य देवता को जल भी प्रदान करते रहें। सूर्य देवता को जल प्रदान करने के लिए आप तांबे के ग्लास का प्रयोग करें या फिर तांबे के लोटे का प्रयोग करें, उसमें थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा गुड़ और शुद्ध जल, बस यही तीन चीजों की आवश्यकता है। ये आप सूर्य देवता को जरूर चढ़ाएं। जब जल चढ़ाया करें तो जल जो है वो सीधे सीधे गमले में गिरना चाहिए, नाली में नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ साथ अभी 1.5 सालों तक मैं कहूंगा बहुत जरूरी है कि यहाँ पर आप लोग जो सिंह राशि से है वो रूबी की अंगूठी जरूर पहने, क्योंकि सूर्य देवता पूरे समय में आप लोगों के लिए वीक रहने वाले हैं, कमजोर रहने वाले हैं, नुकसान होने वाला है, भ्रम की जो स्थिति है वो कंटिन्यूअसली रहने वाली है। तो इसलिए सिंह राशि के जातकों को तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अंगूठी जरूर पहननी चाहिए रूबी की। चलिए मित्रों, तो ये आपके लिए उपाय हो गया। आशा करता हूँ ये उपाय आप जरूर करेंगे और यहाँ पर अप्रैल 2022 को अपने लिए बेहतर बना पाने में सक्षम होंगे। जो भी भक्तगण यहां तक वीडियो पर पहुंचे हैं वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। भक्तगणों, अब मैं आप लोगों से आज के लिए विदा ले रहा हूं। आज का जो प्रोग्राम है वो यहीं पर समाप्त हो रहा है। आशा करता हूं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारे जो चैनल है उसके माध्यम से नित्य प्रतिदिन हम सनातन धर्म के जो अनमोल ज्ञान के मोती हैं उनको आप लोगों के बीच में लाकर रखते हैं, आप लोगों के बीच में बांटते हैं, ताकि आप भी हिंदू सनातन धर्म के ज्ञान का प्रयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। हमारे चैनल को आप लोग इसी प्रकार प्यार देते रहें। हमारी भी यहाँ पर यही मंगल कामना है कि आप और आपके परिवार में सदैव सुख शांति और समृद्धि का निवास हो। इसी मंगल कामना के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी अगले महीने, तब तक के लिए जय शनि।